इतनी ज्यादा धूप है, मैंने अपने लिए ये एक बॉटल ली है। इतना ज्यादा तीखा था, मैंने लगा ली दोनों हाथों पर नेल पेन। एवरीवन, दिस इज मी पूजा सोमानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो। तो रोज की तरह मैं उठ गई हूँ और 6 बज गए हैं एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर माय योगा क्लास। मैं रेडी ऑलमोस्ट, बस बाल बांधने रहे, तो आई विल टाइम माय हेयर एंड गो टू योगा क्लास एंड आई विल सी यू गाइस आफ्टर दैट। योगा क्लास से आने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और मैं रेडी हो गई हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू डी मार्ट थोड़ी बहुत घर की शॉपिंग करने, और मुझे खुद के लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है जैसे वाटर बॉटल एंड ऑल दैट स्टफ। सो लेट्स गो टू डी मार्ट। हम पहुंच गए हैं डी मार्ट एंड आई कैन सी अम्ब्रेलाज, रेनकोट यहाँ पे, मतलब बरसात की शॉपिंग अभी से स्टार्ट कर दी है लोगों ने। बट आई डोंट वांट टू बाय एनीथिंग लाइक अम्ब्रेला और एनीथिंग, तो मैं जा रही हूँ मुझे जो ख़रीदना है वो लेने। वाओ, दिस शॉर्ट ग्लासेस आर सो क्यूट। इस पर लिखा है भगवान कसम वे आर ऑसम फ्रेंड्स एंड इट इज़ जस्ट फॉर ₹29, मतलब कोई भी ले लो इसमें से 29 का है। सारे इतने क्यूट क्यूट है। इस पर लिखा है तेरा भाई संभाल लेगा, और मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बट मैं ये नहीं लूँगी क्योंकि हमारे घर पे ऑलरेडी है ऐसे काफ़ी ग्लासेस। और आज मैं लिस्ट बना के आई हूँ, क्योंकि लिस्ट बना के नहीं आते ना फिर एक्सेसिव शॉपिंग हो ही जाती है एंड आई डिडंट वांट दैट। तो मैं लिस्ट बना के आई हूँ, उतना ही सामान मैं लूँगी और फिर हम घर जाएँगे। वो एंड वाला कितना अच्छा लग रहा है, मस्त गॉगल वॉगल लगाया वाला, वाओ इट इज़ सो कूल। और 29 में तो और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो मैंने अपने लिए ये एक बॉटल ली है, इट्स सो क्यूट। इस ये 1 लीटर की बॉटल है, मुझे ये एक बॉटल भी अच्छी लगी, सेज ड्रिंक मोर वाटर, पर ये कितने लीटर की है वो मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैंने ये नहीं ली। और मुझे योगा मैट भी लेनी थी, लॉन्ड्री बॉक्स लेना था जो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो शायद अब मैंने जितना सामान लिया है वो सामान लेके हम घर चलते हैं। इतनी ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, ऐसा लग रहा है कि कब मैं घर पहुँचूँगी। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ घर पे, मैं इतनी ज़्यादा थक गई, मतलब डीमार्ट में शॉपिंग करके मैं जितना नहीं थकी उतना मैं धूप के वजह से थक गई, मतलब बस डीमार्ट से घर पे आने में। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे घर से डीमार्ट जो है वो 5 मिनट की दूरी पर है, लिटरली 5 मिनट, और वो 5 मिनट की धूप में ही मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। ओ माई गॉड, लाइक आई विल नॉट इवन थिंक टू गो आउट इन आफ्टरनून एनी टाइम सून, लाइक अनलेस एंड अनटिल रेनी सीजन स्टार्ट्स। तो मेरा लंच और वो सब करके हो गया है, वो सब मतलब थोड़ा सा रेस्ट। तो अब मैंने सोचा कि चलो मैं नेल पेंट चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने चेंज नहीं करी और अभी ये नाखून भी बहुत ही ज़्यादा गंदे दिख रहे थे। तो ये मैं लेकर आई हूँ नेल पेंट रिमूवर, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसमें कोई मेहनत नहीं होती है, बस ऐसे उंगली डालो और अपने आप मस्त नेल पेंट निकल जाती है। देखो थोड़ी सी रह गई है। तो मैं फटाफट सारे नाखूनों के पहले नेल पेंट निकाल लेती हूँ और फिर आज हम ये कलर लगाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं कौन सा कलर लगाऊँ, फिर मैंने सोचा ब्लैक लगाती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि ब्लैक इज़ वेरी कॉमन, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो ये लगा के देखती हूँ। अभी सारे नेल पेंट्स खरीदी है तो एक एक बार सारी तो लगा के देखनी पड़ेगी ना। बट मुझे मेरे फेवरेट नेल पेंट कलर्स कुछ कुछ है, जैसे ब्लैक मैं हमेशा लगा के रख सकती हूँ, फिर जो चमकी वाला सिल्वर आता है वो भी मुझे पसंद है क्योंकि वो सारे आउटफिट के साथ जाता है। ये से कलरफुल लगा लेते हैं ना ब्लू ऐसे ऐसे, तो ये सारे आउटफिट के साथ मतलब मैच नहीं हो पाता है, जैसे ब्लैक सबके साथ चल जाता है, सिल्वर वो चमकी वाला भी सबके साथ चल जाता है लाइक दैट। और मैंने आपसे बात करते करते एक हाथ की नेल पेंट्स भी निकाल ली, एक हाथ की नेल पेंट निकाल ली है पूरी, अब दूसरे हाथ के पे बस ये 4 उंगलियाँ बची है जो फटाफट निकल जाएगी। और फिर मैं नेल पेंट लगाती हूँ, और फिर नेल पेंट लगाने के बाद आज मैंने चेरीज़ ऑर्डर करी थी ब्लिंकिट से, तो अभी चेरी आ गई है तो अब हम चेरी खाएंगे आज। पता है इतनी सी चेरी है, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ी ज़्यादा आएगी, बट इतनी सी है, मतलब मुझे नहीं पता ना 100 ग्राम 200 ग्राम में कितनी आती है, मैंने 100 ग्राम वाला ही करा, तो जब आई तो मैंने देखा ओ नो ये तो बहुत कम है ऐसा। और हो गई मेरे दोनों हाथों की नेल पेंट निकाल के,
चलो अब हम नेल पेंट लगाते हैं। वैसे मेरे नाखून काफ़ी लंबे हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ कि कट कर लूँ क्या, बट ठीक है चलो रहने देते हैं। अब मैं फटाफट नेल पेंट लगाती हूँ और फिर चेरी खाएंगे। आजकल मुझे बड़ी भूख लगती है, मतलब सब लोग ऐसे बोलते हैं कि समर सीज़न में वैसे ज़्यादा भूख नहीं लगती है, बट पता नहीं मुझे पिछले कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा भूख लगने लगी है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर थोड़े टाइम में मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहो। लंच करने के बाद पता है मुझे भूख लग गई थी, फिर मैंने मम्मा से राइस भी बनवाया, फिर मैंने राइस भी खाए, अब मुझे फिर भूख लग गई, अब मैं चेरीज खाऊंगी। चलो गाइज मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ अच्छे से और फिर मिलती हूँ आप लोगों को। मैंने लगा ली दोनों हाथों पर नेल पेंट और अब मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि ये सूख जाए और फिर हम चेरीज लेने जाएंगे, क्योंकि पता चला कि मैं चेरीज निकाल के बाउल में ले रही हूँ और मेरी नेल पेंट ख़राब हो जाए, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में फिर भी ईजिली लग जाता है बिकॉज आई एम राइटी, बट लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में लगाने में जो आफत आती है ना, कैन नॉट टेल यू, ओनली गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड। सो येस नाउ लेट्स वेट कि ये ड्राई हो जाए फटाफट, फिर हम चेरी खाएंगे। फाइनली मेरी नेल पेंट हो गई है ड्राई और अब हम चेरी खाएंगे, ये यिप्पी। आप लोगों को यहाँ नीचे कुछ दिख रहा है क्या? क्योंकि मुझे भी दिख रहा है, अगर दिख रहा होगा तो मुझे कमेंट में बताओ कि क्या दिख रहा है आपको। चेरीज खाने के बाद मैंने डिनर भी कर लिया, बट ये पानी पूरी वाले भैया मुझे दिख गए और फिर मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि खा ही लेती हूँ एक प्लेट, तो मैं आ गई हूँ अभी नीचे पानी पूरी खाने। अब मैं थोड़ी सी पानी पूरी खाऊंगी और फिर घर पे ऊपर चली जाऊंगी वापस। एक ही प्लेट चाहिए, इतना ज़्यादा तीखा था, मेरा पूरा मुंह जल रहा है, मैंने आधी ही प्लेट पानी पूरी खाई इस चक्कर में, मेरा मुंह इतना ज़्यादा जल रहा है, मेरे मैं क्या बताऊँ, मैं कान में से पूरे धुएँ निकल रहे हैं। अब मुझे फटाफट घर पे जाके आमरस खाना पड़ेगा। आप देख सकते हो कितनी सारी कैडबरीज रखी है हमारी फ्रीजर में, नटीज खा लेती हूँ मैं। मिर्ची लगने के बाद मीठा खाने में जो मज़ा है वो नॉर्मल नहीं है, मतलब नॉर्मली मीठा खाने में नहीं मिलता है, आई एम टेलिंग यू। कभी मिर्ची खाओ और फिर मीठा खा के देखो मीठा कितना पसंद आएगा। अगर तो आप स्पाइसी खाते हो तो ठीक है, बट इफ़ यू आर नॉट दैट पर्सन जो स्पाइसी नहीं खाता है तो फिर आपको पता चलेगा, जैसे कि मैं। ओके गाइस सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अब मुझे फाइनली मीठा खाने के बाद आई एम फीलिंग बेटर एंड गुड, तो दैट वाज इट फॉर द डे। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।